दोस्तों आज बात करते हैं हम दिवस की। देखो यानी कि दिवस को हम शॉर्ट ट्रिक में बताएंगे आपको याद करने का फार्मूला। जनवरी और फरवरी माह के, देखो हम पहले बात करते हैं प्रवासी दिवस की, जो बनाया जाता है 9 जनवरी को। यानी कि प्रवासी दिवस कब बनाया जाता है? 9 जनवरी को। देखो कैसे याद करेंगे, यानी कि 9 जनवरी को कैसे याद करेंगे? भारतीय जनता 9 दिन के यानी कि 9 नवरात्रे करती है या उपवास करती है। नवरात्रे करती है, क्या करती है? उपवास, भारतीय जनता। तो उपवास से तो क्या याद रखेंगे? प्रवास। उपवास से क्या याद रखेंगे? प्रवास। और जनता से क्या याद रखेंगे? जनवरी। यानी कि भारतीय जनता 9 नवरात्रों का क्या करती है? उपवास करती है। 9 रात्रों का क्या करती है? उपवास करती है। उसी प्रकार के याद रखेंगे प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी। उसके बाद में आता है युवा दिवस। युवा दिवस कैसे याद रखेंगे? यानी कि हर घर में या लगभग 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 हर घर में एक दो हर घर में लगभग हर घर में एक दो युवा तो जरूर मिलते हैं। यानी कि लगभग भारतीय यानी एक दो जन हर घर में लगभग हर घर में एक दो जन युवा हर घर में एक दो जन युवा जरूर मिलते हैं। यानी कि लगभग एक दो जन युवा जरूर मिलते हैं। उसके बाद में देखेंगे पर्यटन दिवस। यानी कि पर्यटन दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। 25 जनवरी के बाद में आती है क्या? 26 जनवरी। आपको पता है 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस मनाते हैं। देखो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, उसको देखने के लिए पर्यटन से याद रखेंगे पर्यटक। पर्यटक क्या करते हैं? एक दिन क्या आ जाते हैं? पहले आ जाते हैं। यानी कि एक दिन पहले जन यानी लोग, जन यानी याद रख लेना, जन यानी लोग, एक दिन पहले आ जाते हैं 26 जनवरी का जो प्रोग्राम है वो देखने के लिए पर्यटक। एक दिन पहले यानी कि 25 जनवरी को आ जाते हैं और क्या बनाते हैं, यानी कि उस दिन क्या होता है? पर्यटन दिवस। उसके बाद में आगे बात करेंगे, वो आगे आता है शहीद दिवस। देखो शहीद दिवस को किस प्रकार याद करेंगे? यानी कि हमारे इसमें याद रखेंगे, देखो शहीद दिवस को किस प्रकार याद करेंगे? शहीद दिवस 30 जनवरी को हमारे 30 जवान जवान जनवरी जवान से याद रखेंगे जनवरी। हमारे 30 जवान क्या हुए शहीद हुए तब जाके हमें क्या मिली? आजादी मिली। हमारे क्या हुए? 30 जवान क्या हुए? 30 जवान जवान से याद रखेंगे जनवरी। यानी कि तो तब जाके हमें क्या मिली? आजादी मिली। और उस दिन क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस। और तब जाके अपने भारत में क्या हुआ? सूर्योदय हुआ, सूर्यो सूर्योदय। और इसी दिन सूर्योदय भी मनाया जाता है। सूर्योदय किस दिन मनाया जाता है भाई? 30 जनवरी को। सूर्योदय किस दिन मनाया जाता है? 30 जनवरी। उसके बाद बात करते हैं हम फरवरी की। देखो देखो बात करते हैं विश्व कैंसर दिवस की, वो बनाया जाता है 4 फरवरी को। देखो सामान्यतः परिवार में जैसे 5 लोग रहते हैं, 5 लोग होते हैं। देखो किसी कारणवश या कोई भी किसी एक व्यक्ति को क्या हो जाए? कैंसर हो जाए। भाई कोई सामान्यतः परिवार में रहते हैं 5 लोग, अगर एक व्यक्ति को कैंसर हो जाए तो जो बच्चे कितने? 4 लोगों का जीना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। फिर क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। देखो दोबारा से देख लेना, यानी कि सामान्यतः परिवार में 5 लोग होते हैं, अगर एक की कैंसर से कम हो जाए, एक से मौत हो जाए, कम हो जाए, तो फिर से क्या याद रखेंगे? फरवरी। फिर यानी 5 लोगों में से एक को क्या हो जाए? कैंसर। फिर 4 लोगों का जीना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। तो यार किस प्रकार याद रखेंगे? सामान्यतः परिवार में 5 लोग होते हैं, अगर एक कारणवश कैंसर से कम हो जाए तो फिर से फरवरी, 4 लोगों का क्या हो जाता है? जीना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद में बात करते हैं अब आगे गुलाब दिवस। गुलाब दिवस देखो गुलाब दिवस के दिन आपको सबको पता है भाई, लड़के लड़कियों क्या देते हैं? गुलाब देते हैं। क्या देते हैं? गुलाब देते हैं लड़के लड़कियों को। देखो लड़के पहले एक लड़की को फिर दूसरी लड़की को। भाई यहाँ भी माना था ना, फिर से फरवरी, तो यहाँ भी फिर से क्या मानेंगे? फरवरी। लड़के लड़की को गुलाब दिवस के दिन
एक लड़की को फिर दूसरी लड़की को क्या देते हैं? गुलाब देते हैं। फिर से क्या याद रखेंगे? एक दो बारह हो गए तो क्या याद रखेंगे? लड़के पहले लड़की पे एक लड़की को पहले एक लड़की को गुलाब देते हैं, फिर दूसरी लड़की को क्या देते हैं? गुलाब देते हैं। इसी प्रकार याद रखेंगे गुलाब दिवस 12 फरवरी। उसके बाद में बात करते हैं वेलेंटाइन डे। देखो वेलेंटाइन डे के दिन, वेलेंटाइन डे कब मनाया जाता है? 14 फरवरी। देखो 14 फरवरी को लड़के क्या करते हैं, लड़के क्या करते हैं, लड़कियों क्या करते हैं? प्रपोज करते हैं। किस दिन? वेलेंटाइन डे दिवस के दिन। देखो इस दिन क्या करते हैं लड़के, एक लड़की को जब प्रपोज करते हैं, एक लड़की को प्रपोज करते हैं तो फिर एक की चार बात बोलते हैं, एक की फिर, यानी कि एक की चार बात फिर, यानी मैंने क्या बताया फिर का मतलब क्या मानेंगे? फरवरी मानेंगे। तो लड़के जब प्रपोज करते हैं तो एक की फिर चार बात बोलते हैं, एक की क्या बात बोलते हैं? चार बात, एक की फिर चार बात बोलते हैं। उसके बाद में बात करते हैं आगे अंतर्राष्ट्रीय की। देखो अंतर्राष्ट्रीय बनाते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस मनाते हैं 21 फरवरी को, यानी भाषा दिवस, मातृभाषा दिवस को मनाते हैं 21 फरवरी को। पहले देखो एक भाषा थी, पहले कितनी भाषा थी? एक। एक भाषा से कितनी होगी फिर? 21। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, पहले कितनी भाषा थी? एक, और फिर कितनी होगी? 21। एक से फिर 21। तो उस दिन कैसे, तो किस प्रकार याद रखेंगे? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को, एक से फिर, एक फिर 21, पहले कितनी थी? एक, और फिर कितनी हो गई? 21। तो किस प्रकार याद रखेंगे? एक फिर 21, एक से हो गई 21। उसके बाद बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक दिवस की। देखो वैज्ञानिकों का क्या मानना है, वैज्ञानिक मानते हैं कि फरवरी में 28 या कितने दिन होते हैं? 29 दिन होते हैं। वैज्ञानिक क्या मानते हैं? 28 29 बताया। देखो वैज्ञानिकों ने, यानी कि वैज्ञानिक दिवस है ना, वैज्ञानिक दिवस 28 फरवरी को, वैज्ञानिकों ने क्या माना कि फरवरी में, यानी कि फरवरी में वैज्ञानिकों ने माना, यानी कि वैज्ञानिकों ने माना फरवरी में 28 या 29 दिन ही होते हैं। तो हम लोग क्या याद रखेंगे? राष्ट्रीय वैज्ञानिक दिवस 28 फरवरी को। देखो दोस्तों इस वीडियो के बाद हम लाएंगे मार्च और अप्रैल के दिवस, मार्च और अप्रैल के दिवस लाएंगे। और अपने चैनल पर बने रहने के लिए अपने चैनल को एक तो सब्सक्राइब करें, और उसके साथ ही जो घंटे वाला बटन होता है बेल आइकन, उसको दबाएं जिससे अपना नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।